नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात करेंगे हम आज एक ऐसी फिल्मी हस्ती की, एक ऐसे मशहूर फिल्म मेकर की जो हमेशा अपने समय से बहुत आगे का सोचते थे, आगे का देखते थे और उनकी फिल्में भी कई अहेड ऑफ टाइम मानी जाती थी। वह ऐसे पहले भारतीय निर्माता निर्देशक थे जिन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला था। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम आज नवकेतन बैनर की स्थापना करने वाले देवानंद के बड़े भाई और हकीकत, अफसर, टैक्सी ड्राइवर जैसी मशहूर फिल्में बनाने वाले द वन एंड ओनली चेतन आनंद की। नायक, नायक। तो बताऊंगा मैं आपको आज कि किस सुपरस्टार को चेतन आनंद ने किया था डिस्कवर, कैसे किसी भी किस्म का तिलस्म नहीं मानने वाले चेतन आनंद ने जानबूझकर एक बार दो अनलकी लोगों की जोड़ी बनाई और नतीजे में निकली एक बड़ी सुपरहिट फेमस फिल्म। साथ ही बात करेंगे कि कैसे अनुशासन पसंद थे चेतन आनंद, कभी अपने सिद्धांतों से समझौता वह कतई करना पसंद नहीं करते थे। होंगे कई और रोचक, दिलचस्प और प्रेरणादायक किस्से चेतन आनंद के जीवन से जुड़े हुए। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज मशहूर फिल्म मेकर चेतन आनंद की। बॉलीवुड फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पहचान दिलाने का श्रेय भी चेतन आनंद को ही जाता है। सदाबहार अभिनेता देवानंद के वह बड़े भाई थे। उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ 1944 में, जब फनी मजूमदार की फिल्म राजकुमार में उन्होंने काम किया, लीड भूमिका में थे वे। चेतन आनंद ने लेकिन अभिनय छोड़ निर्देशन के क्षेत्र में किस्मत आजमाने का फैसला किया और जल्द ही उन्होंने इतिहास भी रच दिया। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना की खोज भी चेतन आनंद ने ही की थी, जिन्हें उन्होंने एक एक्टिंग कॉम्पिटिशन में चुना था। बाद में चेतन आनंद ने राजेश खन्ना को अपनी फिल्म आखिरी खत के लिए साइन भी किया। आगे बताऊंगा आपको कि किस तरह से स्थापना हुई, हाउ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैनर्स ऑफ बॉलीवुड नवकेतन फिल्म्स केम इनटू बीइंग। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज मशहूर फिल्म मेकर चेतन आनंद की। तो कैसे हुई नवकेतन फिल्म्स बैनर की स्थापना? 1950 के दशक के शुरू में उन्होंने अपने छोटे भाई और उस जमाने के मशहूर अभिनेता देवानंद के साथ मिल नवकेतन प्रोडक्शंस नाम से एक फिल्म कंपनी की स्थापना की। नवकेतन ने बहुत जल्दी ही बॉलीवुड में अपनी एक विशिष्ट जगह बना ली। देवानंद और उनके दोनों भाई चेतन आनंद और विजय आनंद तीनों ने मिलकर इस बैनर तले कई मेमोरेबल फिल्म्स बनाई हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, नवकेतन पर देव साहब का आधिपत्य बढ़ता गया। उन्होंने नवकेतन फिल्म्स का चार्ज एक तरह से पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया और कई बहुत ही यादगार फिल्म्स उन्होंने भारतीय सिने प्रेमियों को दी। 1958 में नवकेतन के बैनर से बनी काला पानी फिल्म ने दो फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। उसके बाद आई 1960 में फिल्म हम दोनों, देवानंद के डबल रोल की बेहद खूबसूरत और यादगार फिल्म, जिसे बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। और फिर 1964 में आई नवकेतन फिल्म्स की शायद सबसे लैंडमार्क फिल्म गाइड। आगे बताऊंगा आपको फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी मशहूर दोस्ती के बारे में, चेतन आनंद और कैफी आजमी की दोस्ती। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव।
नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज हिंदी सिनेमा के सबसे जाने माने निर्माता निर्देशकों में से एक की, जाने माने पटकथा लेखक द वन एंड ओनली चेतन आनंद साहब की। बड़ी दोस्ती थी उनकी कैफी आजमी से, लेकिन दोस्ती थी कुछ अजीब सी, और इसके बारे में बताया एक बार शबाना आजमी ने कुछ अपने दोस्तों को कि किस तरह का रिश्ता था चेतन आनंद और कैफी आजमी के बीच। चेतन आनंद की यादगार फिल्मों में से एक थी हीर रांझा, जिसके संवाद, जिसके डायलॉग्स लिखे थे कैफी आजमी साहब ने। जिन दिनों हीर रांझा बन रही थी, उसकी तैयारी चल रही थी, चेतन आनंद साहब रोज सुबह 10 बजे कैफी आजमी साहब के घर पहुंच जाया करते थे। दिन भर वहां बैठे रहते, कई प्याले चाय पी जाते, और शाम कैफी आजमी साहब के लिखे हुए संवाद यानी डायलॉग्स लेकर वापस अपने स्टूडियो लौट जाया करते थे। दोनों हमेशा एक ही कमरे में बैठे रहते थे, एक कोने में कैफी आजमी साहब, दूसरे में चेतन आनंद साहब। लेकिन पूरे दिन में मजाल है कि दोनों के बीच एक भी सेंटेंस एक्सचेंज हो जाए, आपस में बिल्कुल बात नहीं। बस वो अपना काम कर रहे और चेतन आनंद कुछ इस अंदाज में बैठे रहते कि जैसे अगर वो नहीं हो तो शायद कैफी आजमी साहब डायलॉग लिखेंगे ही नहीं। आगे बताऊंगा आपको एक ऐसा किस्सा जिसमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दो बहुत ही दुर्भाग्यशाली यानी अनलकी कहे जाने वाले कलाकार फनकार जब आए एक दूसरे के साथ, तो जन्म हुआ एक यादगार फिल्म का, एक कालजाई फिल्म का। क्या था वो किस्सा, बताऊंगा आपको। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज मशहूर फिल्म मेकर चेतन आनंद की। तो कैसे एक बार बॉलीवुड के, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दो दुर्भाग्यशाली या अनलकी कहे जाने वाले फनकार जब साथ आए, तो जन्म हुआ एक कालजयी फिल्म का। कैफी आजमी साहब उन दिनों फिल्मों के गाने लिखा करते थे, उनके गाने बड़े पसंद किए जाते थे, हिट भी होते थे, लेकिन जिन फिल्मों में वो गाने होते थे वह फिल्में पिट जाती थी। ऐसे में इंडस्ट्री में ये बात फैल गई कि कैफी साहब फिल्मों के लिए अनलकी हैं, उन्हें काम मिलना हो गया बंद। एक दिन चेतन आनंद कैफी साहब के पास आए और उनसे कहा कि एक फिल्म बना रहा हूं मैं और चाहता हूं कि आप उसके गाने लिखें। अब कैफी साहब थे खुले मिजाज के, उन्होंने कह दिया चेतन आनंद से कि सब कहते हैं मैं लिखता तो ढंग का हूं पर मेरे सितारे ठीक नहीं हैं, ऐसे में आप क्यों जोखिम ले रहे हैं, क्यों अपनी फिल्म के गाने मुझसे लिखवा रहे हैं। जवाब सुनिए आप चेतन आनंद का। उन्होंने कहा मेरे बारे में भी लोग कुछ इसी तरह की बातें करते हैं कि मैं फिल्में समझता भी अच्छी हूं, बना भी ठीक ठाक लेता हूं, पर मेरे सितारे अच्छे नहीं है, इसलिए वो फिल्में चलती नहीं है। हो सकता है कि अब जब दो खराब सितारे मिल जाएं तो कुछ अच्छा निकल कर आ जाए। और दोस्तों हुआ भी कुछ ऐसा ही। आप समझे कि नहीं किस फिल्म की हम बात कर रहे हैं। फिल्म का नाम था हकीकत। इतनी जमीन से जुड़ी हुई, दिल को छू लेने वाली फिल्म बनाई थी चेतन आनंद ने कि सबका दिल भर आया था। आगे बताऊंगा आपको कैसे अपने उसूलों के, अपने सिद्धांतों के बड़े पक्के थे चेतन आनंद। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज मशहूर फिल्म मेकर चेतन आनंद की। तो किस तरह से चेतन आनंद हमेशा अपने उसूलों पर कायम रहते थे, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते थे। फिल्म कोई भी हो, साथ में काम करने वाले कितने ही बड़े स्टार हों या न्यू कमर्स हों, चेतन आनंद का बिहेवियर हर किसी के साथ एक समान होता था। एक बार जब चेतन आनंद जाने मन के सेट पर थे, जिस फिल्म में देवानंद काम कर रहे थे, प्रेमनाथ काम कर रहे थे, जो उन दिनों अपनी सेकंड कमिंग में एक बड़े स्टार हो गए थे, तो बड़ा बवाल खड़ा हो गया एक दिन सेट पर। हुआ ये कि प्रेमनाथ शूटिंग के लिए नशे में धुत पहुंच गए। अब चेतन आनंद तो ये टॉलरेट कर नहीं सकते थे, चाहे सामने वाला अभिनेता कितना ही बड़ा एक्टर हो, कितना ही बड़ा स्टार हो। चेतन आनंद का उसूल था कि वह अपनी फिल्म के सेट पर किसी भी किस्म का इनडिसिप्लिन
टॉलरेट नहीं करते थे। उन्होंने प्रेमनाथ को सेट से निकाल दिया और उस दिन के लिए पैकअप अनाउंस कर दिया। यह अलग बात है कि अगले दिन प्रेमनाथ बिल्कुल सोबर अंदाज में तमीज से हंसते खेलते सेट पर आए, देव साहब को गले लगा लिया, चेतन आनंद का अभिनंदन किया, अभिवादन किया और काम करने की बिल्कुल तैयारी में दिखे। ऐसी स्थिति में बात आई गई हो गई और एक बार दोबारा काम शुरू हो गया। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे बॉक्स ऑफिस की कामयाबी या असफलता चेतन आनंद के लिए कभी भी बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं रखती थी। उनका एम हमेशा रहता था सोशली रेलेवेंट फिल्म बनाना, सामाजिक, जिसका कोई अर्थ निकले, जिससे समाज में कोई फर्क आ सके, ऐसी फिल्में बनाने का रहता था उनका प्रयास। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज मशहूर निर्माता निर्देशक चेतन आनंद की। चेतन आनंद की एक और खास बात थी, वह फिल्म इंडस्ट्री में तो थे लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे लोगों से कुछ अलग थे। उनकी गिनती होती थी हमेशा एक संजीदा, सुशिक्षित और बहुत ही इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड पर्सोना के रूप में। उनकी चर्चा जब भी होती थी तो एक बहुत ही सुलझोए इंसान की तरह होती थी, एक बहुत पढ़े लिखे समझदार इंसान की तरह होती थी, जिनकी दोस्ती थी कैफी आजमी और बलराज सहानी जैसे लोगों के साथ। विभाजन से पहले पंजाब के गुरदासपुर से बंबई आए थे चेतन आनंद। लेखन के अलावा रंगमंच में भी दिलचस्पी रखते थे और देश में आजादी की अलख जगाने के लिए उन्होंने कई नाटक भी लिखे थे। उनका प्रयास रहता था कि अपने लेखन के जरिए और अपने नाटकों के जरिए वह लोगों को ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीतियों से परिचित रखें। चेतन आनंद ने सिनेमा का रुख भी कुछ इसी किस्म की सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए किया था। उन्हें बहुत जल्दी यह समझ में आ गया था कि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिससे वह लोगों को जगा सकते हैं, उनमें एक नई चेतना पैदा कर सकते हैं और उसके लिए फिल्म एक बड़ा सशक्त माध्यम बन सकती है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म नीचा नगर बनाई थी जिसमें शमशान की भूमि पर रहने वाले लोगों की दशा, उनकी उम्मीदें और उनके फ्रस्ट्रेशन को बड़ी बारीकी से पेश किया गया था। यह फिल्म पूरी तरह से वास्तविकता दिखाने में सफल रही थी और अपनी इस पहली फिल्म के साथ ही चेतन आनंद का लोहा फिल्म इंडस्ट्री में लोग मानने लगे थे। तो ये थे हमारे आज के नायक, जाने माने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, द वन एंड ओनली चेतन आनंद। कल शाम 8 बजे फिर हाजिर होऊंगा आपके समक्ष एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एवरीवन।